सोलन में पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गाय के कानों की टैगिंग करते समय उसका कान ही चीर डाला, जिसकी वजह से गाय गंभीर रूप से घायल हो गई और विभाग के कर्मचारी खामोश होकर ये सब तमाशा देखते रहे। ये आरोप गांव जामली क्यार के गाँव वासियों ने पशुपालन विभाग के कर्मचारियों पर लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गायों की टैगिंग जिला में की जा रही है, जिसका वे स्वागत करते हैं, लेकिन जो कर्मचारी फील्ड में पशुपालन विभाग टैगिंग के लिए भेज रहा है, वे प्रशिक्षित होने चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। गांववासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पशुपालन विभाग के लापरवाही की वजह से उनकी गाय गंभीर रूप से घायल हुई है। उन्होंने कहा कि हैरानी वाली बात ये है कि घायल पशु को मरहम पट्टी करने के लिए फील्ड में कर्मचारियों के पास फर्स्ट एड किट भी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी गाय की हालत बेहद खराब है। मैं केशव सिंह, गांव क्यार, डाखाना ओजघाट, तहसील वाजिला सोलन। आज सोलन से, ओजघाट से, वेटनरी से कुछ फार्मासिस्ट आए जिन्होंने गाय को टीका और टैग लगाने शुरू किए, जिससे मेरी एक एचएफ गाय का कान उन्होंने टैग लगाने की जगह पूरा चीर डाला। टैग नहीं लग पाया, लेकिन गाय का, होस्टन गाय का पूरा कान चीर डाला, जिससे मेरी गाय को काफ़ी दर्द से कहरा रही है। इस विषय में हमने जब उनसे कहा कि ये कोई तरीका नहीं है इस तरह टैग लगाने का, तो वो बोलते ऐसा तो होता रहता है, जवाब में ये सुनने को मिलता है। फिर उनके पास ना तो कोई महरम पट्टी उस पर लगाने को है, ना कुछ भी नहीं है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री वालों के ये हाल हैं। अधिक जानकारी देते हुए पशुपालन विभाग के उपनिदेशक बीबी गुप्ता ने बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी। मीडिया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वे इस घटना की जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब भी कर्मचारी फील्ड में टैगिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें फर्स्ट एड किट साथ में ले जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई पशु घायल हो तो उसका उपचार तुरंत किया जा सके, लेकिन वे अपने साथ फर्स्ट एड किट क्यों नहीं लेकर गए, इसकी जानकारी हासिल की जाएगी। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये एक्सीडेंटल कोई ना कोई कभी हो जाता है कि किसी जानवर का टैग लगाते समय अगर प्रॉपरली पकड़ा ना हो, या मैन पावर कम हो, या किसी दूसरे तरीके से कोई ऐसा एक्सीडेंटली कान कट जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हर पशु में ही होता है, किसी में शायद हुआ होगा, ये आपके द्वारा ही मुझे ये न्यूज़ दी गई है। लेकिन अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो हमारे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को ये आदेश हैं कि वो उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, उसको अगर इंजेक्शन्स की ज़रूरत हुई तो वो भी निशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सर, जैसे तो, गाँव वालों की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि उनके पास फर्स्ट एड का भी सामान नहीं था, और काफ़ी बार उन्होंने ये बोला कि इसको फर्स्ट एड तो दे दीजिए, तो वो बोलते कि ऐसा होता रहता है और फर्स्ट एड नहीं दिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे आपसे ही पता लग रहा है। इस बारे में छानबीन की जाएगी, कौन वहाँ गया था और इस तरह के वर्डिंग किसने कही है, क्योंकि अगर कोई चोट हुई है, कान कट गया है, तो उसका ड्रेसिंग का मटेरियल तो इनके पास रहता ही है और ऐसे आदेश भी हैं। अगर कोई ऐसी लापरवाही हुई है तो हम इसमें छानबीन करेंगे और पता लगाएंगे क्यों हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो फील्ड स्टाफ जाता है उसके पास फर्स्ट एड का सामान दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, दे आर सपोज टू कैरी फर्स्ट एड, वो क्योंकि वो कोई आउटसोर्स्ड हायर्ड वर्कर नहीं है, वो हमारा लोकल जो फार्मेसिस्ट है, डिस्पेंसरी जो है वहाँ, वही करता है, और डिस्पेंसरी में सारी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं जो फर्स्ट एड के लिए। वो किट तो उसको साथ रखनी ही चाहिए, चाहे वो ज़रूरत पड़े चाहे ना पड़े।